गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पाठ दो, एकता में बल। यानी एकता में बल मतलब जब हम सब लोग एक साथ मिलकर रहते हैं तो उसमें बहुत ही शक्ति होती है। तो आइए पढ़ते हैं पाठ। एक जंगल था, उसमें हजारों पक्षी पेड़ों पर घोंसले बनाकर रहते थे। देखिए, एक जंगल था और उस जंगल में हजारों की संख्या में पक्षी पेड़ों पर घोंसले बनाकर रहते थे। एक दिन एक शिकारी उधर आया। एक दिन क्या हुआ कि एक शिकारी जंगल में आ गया। उसने ज़मीन पर अनाज के कुछ दाने बिखेर दिए और उन पर जाल बिछाकर वह झाड़ी के पीछे छिपकर बैठ गया। एक दिन क्या हुआ कि जंगल में शिकारी आ गया और उसने ज़मीन पर अनाज के कुछ दाने बिखेर दिए। दाने बिखेर कर उसने क्या करा, उन पर जाल बिछा दिया और वह खुद एक झाड़ी के पीछे छिपकर बैठ गया। कुछ देर बाद कबूतरों का एक दल उड़ता हुआ उधर आया। जब शिकारी ने ऐसा किया तो कुछ देर बाद वहाँ पर एक कबूतरों का दल आ गया, यानी बहुत सारे कबूतर आ गए। ज़मीन पर अनाज के दाने देखकर कबूतरों ने नीचे उतरना चाहा। जब ज़मीन पर कबूतर ने अनाज के दाने देखे तो कबूतरों ने सोचा कि हम नीचे उतरकर अनाज के दाने को खा लें। लेकिन उनके मुखिया ने कहा, भाइयों, यहाँ उतरना ठीक नहीं है। परंतु जब कबूतरों ने ऐसा सोचा तो जो उनके मुखिया है उन्होंने कहा कि भाई, यहाँ उतरना ठीक नहीं है। भला सोचो, इस जंगल में अनाज के दाने कहाँ से आए। जिनका मुखिया था उसने समझदारी दिखाते हुए बोला कि यहाँ पर उतरना ठीक नहीं है, तुम लोग ज़रा सोचो कि इस जंगल में अनाज के दाने कहाँ से आएंगे, इसमें ज़रूर कोई धोखा है। यानी उसने क्या बोला, जो कबूतरों का अध्यक्ष था या उसका मुखिया था, कि इसमें ज़रूर कोई धोखा है, हमें यहाँ कोई धोखे से फंसाना चाहता है। लेकिन कबूतर बहुत भूखे थे, परंतु जो कबूतर थे वो बहुत ही भूखे थे। वे अपने मुखिया के रोकने पर भी नहीं रुके और नीचे उतर आए। कबूतरों को बहुत ज़ोर से भूख लगी थी, इसलिए जब मुखिया ने मना करा तब भी वो नहीं रुके और वो नीचे दाने खाने के लिए उतर गए। वे दाना चुगने बैठे ही थे कि जाल में फंस गए और पंख फड़फड़ाने लगे। जब कबूतर नीचे आए और दाना चुगने लगे तो वो जाल में फंस गए और अपने पंख ज़ोर ज़ोर से फड़फड़ाने लगे। क्योंकि वहाँ पर जाल था तो जब कबूतर दाना खाने आए बच्चों, तो वो जिस जाल में फंस गए और जाल में फंसने के बाद उन्होंने अपने पंख फड़फड़ाना शुरू कर दिया। अब वे पछताए कि उन्होंने अपने मुखिया की बात क्यों नहीं मानी। जब ऐसा हुआ तो कबूतर पछताने लगे कि उन्होंने अपने मुखिया की बात क्यों नहीं मानी, क्यों वो नीचे आ गए। उन्हें अपने मुखिया की बात मान लेनी चाहिए थी और नीचे नहीं आना चाहिए था। मुखिया बोला, साथियों, संकट के समय घबराने से काम नहीं चलता। जो उनका मुखिया था उसने बोला कि विपत्ति या मुसीबत के समय, यानी संकट के समय हमें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि संकट के समय यदि हम घबराएंगे तो हम उस मुसीबत से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। इस तरह पंख मत फड़फड़ाओ। मुखिया ने बोला कि इस तरह पंख मत फड़फड़ाओ, जब मैं इशारा करूं तो तुम सब मिलकर एक साथ जोर लगाकर एक ही दिशा में उड़ना। जो उनका मुखिया है वो कहता है कि जब भी मैं तुम्हारी तरफ इशारा करूं तो तुम क्या करना, तुम सब एक साथ मिलकर जोर लगाना और एक ही दिशा में उड़ना। मुखिया बोलता है कि मेरे इशारा करते ही एक साथ ही तुम पंख, मतलब एक साथ ही उड़ने की कोशिश करना और एक ही दिशा में उड़ना। जाल को लेकर हम पूर्व दिशा की ओर उड़ेंगे। मुखिया ने बोला कि जाल को लेकर हमें पूर्व दिशा की ओर मुड़ना है, तो मेरे इशारा करते ही तुम सब पूर्व दिशा की ओर उड़ने लगना। आगे पढ़ते हैं। मुखिया ने इशारा करा, सब कबूतरों ने एक साथ जोर लगाया और जाल लेकर उड़ गए।
क्या हुआ कि जब मुखिया ने इशारा करा तो सब कबूतरों ने एक साथ जोर लगाया और जाल को लेकर उड़ गए। कैसे उड़े? क्योंकि वो बहुत सारे कबूतर एक साथ थे, तो क्या इसलिए वो आराम से जाल को लेकर उड़ गए। शिकारी यह देखकर दंग रह गया। जो शिकारी था, जब उसने ये दृश्य देखा कि किस प्रकार ये कबूतर पूरा जाल ही लेकर उड़ गए, तो वो बहुत ही हैरान हो गया। वो कबूतरों के पीछे दौड़ा। ऐसा देखने पर वो कबूतरों के पीछे दौड़ने लगा, लेकिन कबूतर उड़ते ही आए, परंतु जो कबूतर हैं वो उड़ते हुए चले गए। अंत में दौड़ते दौड़ते वह थक गया और निराश होकर लौट आया। जो शिकारी था वो कबूतरों के पीछे पीछे वो कबूतरों के पीछे दौड़ते दौड़ते थक गया और अंत में क्या हुआ, वह निराश हो गया और वापस लौट गया। मुखिया कबूतरों को अपने मित्र हिरण्यक नामक चूहे के पास ले गया, जो उनका मुखिया था। उसका एक मित्र था जो एक चूहा था और उसका नाम हिरण्यक था। तो मुखिया ने क्या करा, मुखिया सारे कबूतरों को अपने चूहे दोस्त के पास ले गया। हिरण्यक 100 बिल्लों के दुर्ग में चैन से रहता था। जो हिरण्यक था वह 100 बिलों यानी 100 जो बिल हैं उनके एक दुर्ग में चैन से रहता था। चैन यानी आराम से रहता था। मुखिया के पुकारने पर वह बाहर निकला। जब कबूतरों के मुखिया ने आवाज़ दी तो वो बाहर निकल कर आया। उसने जब अपने मित्र को जाल में फंसा देखा तो बोला, मित्र तुम इतने बुद्धिमान होकर भी जाल में कैसे फंस गए? जब चूहे ने देखा कि वह जाल में फंसा है तो उसने अपने मित्र से पूछा कि तुम तो इतने बुद्धिमान हो, फिर भी तुम जाल में कैसे फंस गए? मुखिया बोला, क्या बताऊँ मित्र, मैंने तो मना किया था लेकिन मेरे ये साथी नहीं माने। तो मुखिया ने क्या उत्तर दिया कि मैं क्या बताऊँ मित्र, मैंने तो मना ही किया था परंतु मेरे साथी नहीं माने। अब देर ना करो, जल्दी से हमारा जाल काट दो। मुखिया ने बोला कि अब तुम और देर ना करो और हमारे जाल को जल्दी से काट दो। हिरण्यक ने अपने तेज़ दांतों से जाल काट दिया। जो हिरण्यक था उसके अत्यंत तेज़ दांत थे, तो उसने अपने तेज़ दांतों से जल्दी से जाल को काट दिया। जाल से छूटकर कबूतर बहुत प्रसन्न हुए। जब हिरण्यक ने जाल काट कर कबूतरों का आज़ाद किया तो जाल से छूटकर वह बहुत ही प्रसन्न हो गए। उन्होंने हिरण्यक को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। जो कबूतर थे उन्होंने हिरण्यक को बहुत धन्यवाद यानी शुक्रिया किया। फिर अपने मुखिया की प्रशंसा करते हुए अपने घोंसले की ओर उड़ गए। फिर कबूतरों ने क्या करा, जो उनके मुखिया थे उनकी प्रशंसा या बड़ाई करते हुए सब अपने अपने घोंसले की ओर उड़ गए। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि एकता में ही बल है। यदि कबूतर एक साथ एकता ना दिखाते हुए ना उड़ते तो वहाँ पर कोई भी कबूतर नहीं बसता, शिकारी उनको पकड़ कर ले जाता। परंतु कबूतरों ने एक साथ एकता दिखाते हुए उड़कर उस मुसीबत का सामना किया। साथ ही हमें ये भी शिक्षा मिलती है कि हमें मुसीबत के समय घबराना नहीं चाहिए और एक साथ एकता दिखाकर बुद्धिमानी